हरियाणा में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल का दौरा भी सुर्खियों में है। केजरीवाल यहां चुनावी रैली में शिरकत करने आए थे तो राहुल गांधी अमेरिकी दौरे के दौरान एक भारतीय छात्र से किए गए वादे को निभाने के लिए यहां आए थे। केजरीवाल ने खूब सियासी बयान दिए तो राहुल खामोश रहकर कई संदेश दे गए। ये हरियाणा चुनाव का गारंटी शो है। राहुल गांधी वादा निभाने की गारंटी पूरी करने करनाल पहुंचे तो केजरीवाल हरियाणा के विकास की गारंटी लेकर, और गारंटी ये भी कि हरियाणा में इस बार आम आदमी पार्टी की मदद के बिना कोई सरकार नहीं बन सकती। क्या दिया बीजेपी ने आपको? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और आपके बच्चों को नशा दिया उन्होंने, और कुछ नहीं दिया उन्होंने। इस बार पूरा हरियाणा बदलाव मांग रहा है। हरियाणा में यमुनानगर के जगाधरी पहुंचे केजरीवाल ने रामकथा से सीता माता का प्रसंग निकाला और दिल्ली वाला वादा दोहराया। और अगर दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल ईमानदार है और दिल्ली की जनता मेरे को वोट देके जिताएगी तभी मैं दोबारा सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। मुझे नहीं लगता किसी भी नेता ने आज तक इतनी हिम्मत की है इस तरह का बयान देने की। चुनावी सरगर्मी के बीच हरियाणा में राहुल गांधी भी थे लेकिन साइलेंट मोड में थे। राहुल ने करनाल में उस युवक के परिवार से मुलाकात की जिससे अमेरिका में मिले थे। राहुल ने अमित कुमार के घर पहुंचकर वीडियो कॉल पर उससे बात भी की। ये सारे कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये आप जाके वहाँ बैठोगे और हमारी फैमिली से मिलोगे। राहुल ने वादा किया था कि यमुनानगर जाकर उसके घर वालों से जरूर मिलेंगे। एक घंटा रुके हाँ जी, एक घंटा। हमने तो पता भी नहीं था। ABP News आपको रखे आगे।